मैं दिल्ली से आज बुलाई थी इसने, कल 8 बजे मैंने गली थी परसों, और 2:30 बजे मुझे बस ने उतार दिया है। उसके बाद ने 5-6 बजे का टाइम था, मैंने टाइम नहीं देखा, इसने मेरा पिकअप किया वहाँ से, इनने मुझे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के इनने फिर एक इनका दोस्त था और ये थे, ये मेरे पीछे बैठे थे और दोस्त इनका गाड़ी चला रहा था, इनको गाड़ी चलाना आता नहीं है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। यूपी में जिस तरीके के हालात हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की कानून व्यवस्था कैसी है। अब एक बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से एक मुस्लिम बिजनेसमैन को झूठे फर्जी लव जिहाद में फंसाने के लिए एक महिला को हायर किया गया था, और जिन लोगों ने हायर किया था वो कौन थे वो आपको पता चलेगा तो आप दंग रह जाएंगे, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरीके से बीजेपी और उससे जुड़े संगठन जो है काम कर रहे हैं। जी हां, मामला कासगंज का है। कासगंज में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं ने एक दिल्ली से एक महिला को हायर किया, और हायर इसलिए किया क्योंकि कासगंज में एक मुस्लिम बिजनेसमैन था, उसको झूठे फर्जी लव जिहाद में फंसाना था, उसको झूठे रेप के केस में फंसाना था। और यूपी में कानून व्यवस्था आप सब जानते ही हैं, जिस तरीके से वहां पर नेताओं के इशारे पर काम होता है, जिस तरीके से वहां पर बीजेपी की या योगी सरकार की जो मनमानी है वो लगातार चालू है। तो इस खबर को देखिए और समझिए कि किस तरीके से मुसलमानों को फंसाने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद जैसे कानून बनाकर हो सकता है कई मामले सच भी हो, लेकिन उसका दुरुपयोग किस तरीके से किया जा रहा है इस खबर से आपको अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले उस महिला की ये बाइट सुनिए जिस महिला को दिल्ली से उस मुस्लिम बिजनेसमैन को फंसाने के लिए हायर किया था। ये केस से पहले जब कंप्लेन करने गई थी तब की ये बाइट है, और किस तरीके से वो इल्जाम लगा रही है, और इनके हाव भाव पे ध्यान दीजिए कि जब ये इल्जाम लगा रही है एक रेप पीड़िता, क्या किस तरीके के उसके हाव भाव होते हैं, क्या इनके हाव भाव से आपको लगता है कि इनके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है या छेड़छाड़ हुई है, इनके हाव भाव से देखिए, सुन लीजिए। एक प्रिंस प्रीति मुझसे बात करता था, मोनू गुप्ता करके, मेरी बात हो रही थी 4 महीने से, और मैं दिल्ली से आज बुलाई थी इसने, कल 8 बजे मैंने गली थी परसों, और 2:30-3 बजे मुझे बस ने उतार दिया है। उसके बाद ने 5-6 बजे का टाइम था, मैंने टाइम नहीं देखा, इसने मेरा पिकअप किया वहाँ से, इनने मुझे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के इनने फिर एक इनका दोस्त था और ये थे, ये मेरे पीछे बैठे थे और दोस्त इनका गाड़ी चला रहा था, इनको गाड़ी चलाना आता नहीं है। हम लोग बातचीत करते रहे तो इनके घर से आया फ़ोन, तो इनने बोला हाँ अम्मी, तो मैंने कि आप अम्मी किससे बोलते हैं, फिर नहीं प्यार से बोलता हूँ मैं, नहीं अम्मी तो ममडन में बोलते हैं, तो इन्हें बोला हाँ मैं हूँ, तो मैंने तुमने मुझसे छिपाया क्यों था, इनने मेरे साथ हाथापाई की जबरदस्ती की, फिर इनने कोल्ड ड्रिंक में मुझे कुछ मिला के दिया, ठीक है, इनने मेरे साथ उल्टा सीधा मतलब रेप किया है। तो और यहाँ ये लोग क्या चाहती हैं? यहाँ पे मैं चाहती हूँ मेरी कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं है। तो सुना आपने, इनका नाम है राधा, ये दिल्ली से यूपी के कासगंज जाती है और एक मुस्लिम बिजनेसमैन को लव जिहाद में, झूठे लव जिहाद में फंसाने के लिए उन पर झूठे आरोप मढ़ती हैं। कह रही है कि उन्होंने मोनू गुप्ता बन के मुझसे फोन पे बात करते थे, इनके पास एक फोन आता है जिसमें ये अम्मी का नाम लेते हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि आप अम्मी किसको कह रहे हो, आप अम्मी क्यों बोल रहे हो, अम्मी तो मुसलमानों में बोलते हैं, मोमडन में बोलते हैं। फिर क्या था, फिर मेरा दिमाग घूमा और मुझे शक पैदा हुआ, तो पता चला कि ये मोनू गुप्ता नहीं है बल्कि कोई मुसलमान है, और मैं अब कंप्लेन करने आ गई है, मेरी शिकायत दर्ज करके इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जी हाँ, इतना ही नहीं, जिन 2 लोगों ने इनको हायर किया था उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, थाने का घेराव भी किया, ये वीडियो देख लीजिए जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता उसकी कंप्लेन करने, शिकायत करने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सुन लीजिए। हम तो कल पत्ते हो यार, कोई चले धर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये बात तो पता है, बयान बंद करो अभी, पहले ये तो नहीं है भाई, एफआईआर प्रस्तुत करो, ये भी जिंदा लो आप लोग, हम कोई बात नहीं है, हम तो। तो सुना आपने, लगभग 200 कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने थाने का घेराव किया था,
कि उस आदमी पर उस शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने इनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उस शख्स को जिस पर आरोप था प्रिंस कुरैशी उसको गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन उसके बाद जब वहां के एसपी ने इस महिला को कहा कि आप जो है मेडिकल के लिए चलिए, एग्जामिन के लिए चलिए, जो आपके साथ दुष्कर्म हुआ है उसका मेडिकल होगा, फिर क्या था वो महिला हिचकिचाने लगी और वो घबराने लगी, फिर उसने सारी बातें एक्सपोज कर दी। ये एसपी का बयान है कासगंज थाने का। उनका बयान है कि जब हमने महिला को कहा कि आप चलिए मेडिकल कराइए, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में इनके खिलाफ साक्ष्य सबूत पेश किए जाएंगे, फिर क्या था वो महिला घबरा गई और उसने मेडिकल के लिए मना कर दिया और सारा कन्फेस कर लिया। ये एसपी का बयान है, एसपी ने कहा है कासगंज थाने के कि उस महिला ने बाद में सारा कन्फेस कर लिया, एक्सपोज कर दिया कि किस तरीके से एक अमन चोपड़ा नाम के और एक सोलंकी नाम के व्यक्ति ने इनको दिल्ली से प्रिंस कुरैशी को झूठे आरोप में फंसाने के लिए हायर किया था। वहीं उसके बाद वहां के एसएचओ का बयान आया है कि दो लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप में गिरफ्तार किया है और वो दो लोग हैं अमन चोपड़ा जो बीजेपी के यूथ विंग के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे शख्स हैं सोलंकी, उनका वो भी बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन इन दोनों को तुरंत बेल मिल जाती है कोर्ट से। आप अंदाजे लगा लीजिए, अगर ये महिला फर्जी ना होती या किसी तरीके से ये महिला कन्फेस ना करती, उन लोगों की पोल ना खोलती, फिर समझिए कि वो जो शख्स था जिसके ऊपर आरोप लगाए थे वो जेल में कब तक सड़ता। तो इस तरीके से लव जिहाद जैसे मामले में झूठे तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है और इसमें शामिल कौन है, बीजेपी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट। लेकिन बीजेपी ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया है। अब उनका कहना है कि हमने उसको पार्टी से निकाल लिया था और जो सोलंकी है उसको तो हम जानते तक नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए यूपी में कैसे हालात है, किस तरीके से मुसलमानों को फंसाने की कोशिश हो रही है। और ये खबर आने के बाद अब सब क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से वहां पर झूठे लव जिहाद में हजारों जो है नौजवानों को जेलों में डाला गया। अगर किसी ने किसी से शादी कर ली, मनचाहा प्यार कर लिया, तो उसके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया, कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई होती थी। लेकिन इस केस से साफ हो गया है, ये इसमें तो तारीफ करनी होगी वहां के जो एसपी हैं, जो एसएचओ हैं, जिन्होंने इस पर अच्छे से काम किया, ईमानदारी से काम किया और एक बेगुनाह को जेल में जाने से बचा लिया। वरना उस शख्स को जेल में भेजने से कोई नहीं रोक सकता था। जिस तरीके से डंके की चोट पर इन्होंने थाने का घेराव किया, उसके बाद क्या आपको लगता है कि वो जो बिजनेसमैन था, मुस्लिम बिजनेसमैन, वो बच पाता। अब इस मामले में उसी महिला ने खुलासा किया है कि मुझे दिल्ली से बुलाया गया था कि आपको प्रिंस कुरैशी को आपको झूठे लव जिहाद के केस में फंसाना है और उन पर आरोप लगाने हैं। जबकि मामला जो है उनका पुराना मामला था, बिजनेस प्रॉपर्टी को लेके मामला था, जिसमें प्रिंस कुरैशी को झूठे केस में फंसाकर उसको जेल में डालने की कोशिश हो रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से कानून का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये लोग गिरफ्तार होते हैं या इन पर आरोप लगते हैं तो कानून को ताक पर रखकर ये लोग काम करते हैं। तो ये खबर थी कि यूपी में लव जिहाद के नाम पर झूठे केसों में फंसाने की जो कवायद शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है। और इस खबर से साफ हो गया है कि सारे लव जिहाद के मामले सच्चे नहीं होते हैं, कई मामलों में वहां पर झूठ भी फंसाया जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।